हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ गोलगप्पे का खट्टा तीखा चटपटा पानी और एक ऐसा सीक्रेट मसाला बनाऊंगी जो गोलगप्पे के पानी के टेस्ट के लेवल को कर देगा दुगना। इस गोलगप्पे के पानी को बनाते बनाते आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। बस फिर आपका मन करेगा कि हम जल्दी से झटपट से ये पानी बनाकर तैयार कर लें और मैं आपको बताऊंगी इस पानी को फ्रिज में कैसे स्टोर कर सकते हैं और कितने दिन तक रख सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 50 ग्राम इमली और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी और इसे गैस पर उबलने के लिए रख देंगे। इसमें एक उबाल आ चुका है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इतने इमली का पानी ठंडा होए इतने हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हम खट्टा और मीठा दोनों पानी में यूज करने के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन में 2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, 2 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे, 10 साबुत काली मिर्च लेंगे और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से भून गया है, बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। आपको ध्यान रखना है, हमें इसे पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए, हमने दरदरा मसाला पीस लिया है। दरदरी सौंफ और जीरा का फ्लेवर पानी में बहुत बढ़िया आता है, इसे जरूर ट्राई करिएगा। इमली का पानी ठंडा हो गया है, अब हम इसे साफ हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे और इसे छान लेंगे। और इसके जो छिलके हैं इसको हमें डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए, बस हमें ये इमली का पल्प यूज करना है। अब हमने लिया है एक बाउल, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे 1 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि हींग इसमें अच्छे से घुल जाए। अब हम सबसे पहले खट्टा और तीखा पानी बनाएंगे, जिसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी हरा धनिया, 1/2 कटोरी पुदीने के पत्ते, साथ ही हमने लिया है 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितनी जरूरत लगेगी उतना पानी डालें। और ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है, इसे हम एक बाउल में कर लेंगे। यहाँ हमने 1/2 कप पानी जार में डालकर उसे भी साफ कर लिया है, क्योंकि जो धनिया पुदीने की चटनी लगी रह जाती है वो भी साफ हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून हींग का पानी जो हमने बनाकर रखा था। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर सौंफ जीरा का पाउडर जो हमने बनाया था। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप ठंडा पानी। इस स्टेज पर हमें डालने हैं 1/2 कप इमली का पल्प। यहाँ हमारी वीडियो शूट होने से रह गई थी, इसलिए आप इस स्टेज पर 1/2 कप इमली का पल्प डाल दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो और डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप रायते वाली बूंदी और इसे मिला देंगे। ये हो गया हमारा खट्टा तीखा गोलगप्पे का पानी बनकर तैयार। अब हम मीठा पानी तैयार करेंगे। यहाँ हमने 100 ग्राम गुड़ लिया है,
जिसे हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये काले कलर का ज्यादा पका हुआ गुड़ है। आप यहाँ पर गोल्डन कलर का गुड़ भी यूज कर सकते हैं और इसे गर्म करेंगे जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे और इस गुड़ के पानी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए ये गुड़ का पानी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 3 टेबल स्पून हींग का पानी जो हमने भिगो कर रखा था, 1 टेबल स्पून सौंफ और जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। कश्मीरी मिर्च से बहुत ज्यादा तीखापन नहीं आता, बस कलर अच्छा आ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ठंडा पानी और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बूंदी और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप इमली का पल्प और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। ये लीजिए हमारा खट्टा तीखा मीठा पानी बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज्यादा स्वाद में लाजवाब है। और अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसे आइस ट्रे में डालकर आइस क्यूब की तरह जमा लेंगे या फिर आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। 3 से 4 दिन के लिए ये आराम से स्टोर हो जाता है। हमें करना क्या है, बस इसमें बूंदी नहीं डालनी है। जब आप यूज करें इसमें बूंदी तभी डालें। तो लीजिए गोलगप्पे का पानी बनकर तैयार है और मैंने इसे सर्व किया है गोलगप्पों के साथ। कैसा लगा आपको गोलगप्पे का खट्टा तीखा चटपटा पानी? ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और पास ही लगे बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।